आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखपुर के लाल वैज्ञानिक डॉक्टर अनंत नारायण भट्ट ने कर दिया कमाल। कोरोना को मात देने के लिए बनाई 2DG दवा इसी हफ्ते आएगी बाजार में। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के अनुरूप है यह दवा। ट्रायल में 100% कारगर है कोविड की यह देशी दवा। DRDO द्वारा निर्मित दवा में CMCT के वैज्ञानिक डॉक्टर अनंत भट्ट की है अहम भूमिका। नोडल अधिकारी मंडलायुक्त जयंत ननिकर की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोविड-19 संबंधी बैठक। संक्रमण से बचाव, कोविड टेस्ट, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, निगरानी समितियों की सक्रियता, RRT टीम द्वारा होम आइसोलेशन में रखे गए मरीजों की जांच एवं मेडिसिन किट वितरण के संबंध में हुई चर्चा। कहा, जांच रिपोर्ट छिपाने वाले प्राइवेट लैब्स को चिन्हित कर उनके विरुद्ध की जाए कड़ी कार्रवाई, लापरवाही क्षम्य नहीं। शासन के निर्देश में प्रदेश के सभी जनपदों में 24 मई तक बढ़ाया गया आंशिक कोरोना कर्फ्यू। ADM City ने कहा, पूर्व की भांति आवश्यक सेवाओं पर रहेगी छूट, बेवजह घूमने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, वसूला जाएगा जुर्माना। गोरखपुर में रविवार को मिले 542 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 3 की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 54,474। अब तक 568 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके अपनी जान, 6,866 हो गए एक्टिव मरीज। CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। कलेक्ट्रेट स्थित इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम कर रहा है 2 शिफ्टों में 24 घंटा कार्य। ADM City ने कहा, आई पॉजिटिव मरीजों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करके उपलब्ध कराई जा रही है बेहतर सेवा। रोडवेज की आमदनी पर कोरोना वायरस का असर, चालक परिचालक को लोड फैक्टर कम करने का आदेश। और कोरोना आंशिक कर्फ्यू का रविवार को भी रहा असर, ADM City ने कहा, सिर्फ बचाव ही है कोरोना से सुरक्षा।